सारी दुनिया है लॉकडाउन में कोरोना है सब का कोरोना डरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं हेलो बच्चों स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में मैं आकांक्षा सोनकर भूगोल प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से बच्चों आज हम क्लास 11 की भूगोल पढ़ेंगे बच्चों क्लास टेंथ में सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में आपने भूगोल को एक घटक के रूप में पढ़ा है विश्व विश्व के विभिन्न भागों के भौगोलिक तत्वों से आप भली भांति परिचित होंगे अब तक आपने जो भी पढ़ा है इससे आपकी बेसिक नॉलेज इंप्रूव हुई है अगर हमें किसी इमारत को खड़ा करना है तो इसका बेस नीव मजबूत होनी चाहिए क्लास टेंथ लेवल तक आपने जो भी पढ़ाई करी है इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हुआ है बच्चों क्लास इलेवेंथ भूगोल पाठ्यक्रम की शुरुआत हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से करेंगे भूगोल में भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण स्थान है भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है आपका पहला अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ेंगे आप देखेंगे कि भूगोल में बहुत सारे विषयों का समावेश है अतः भूगोल का अध्ययन हमें विस्तृत ज्ञान देता है चर, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु कौन से हैं हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए भूगोल क्या है भूगोल वेताओं का अध्ययन क्षेत्र मनुष्य का प्रकृति के साथ समायोजन वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का तीन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंध एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस अध्याय में हम भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण मानवीय क्रियाओं और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए इसका एक बहुत ही सरल सा उत्तर है क्योंकि हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं इसलिए पृथ्वी के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण को समझना अति आवश्यक हो जाता है मानव अपनी सराउंडिंग्स परिस्थानों से कई प्रकारों से प्रभावित होता है आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिली हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जो मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जैसा कि बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं जल पेड़ पौधे वन मिनरल्स खनिज सॉइल मृदा जीव जंतु ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए अति आवश्यक होते हैं बच्चों प्राचीन काल में जो हमारा आदिम समाज था वो अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने भरण पोषण के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करता था पेड़ों से कंद मूल खाता था जानवरों की खालें और पेड़ों की पत्तियाँ इनके वस्त्रों का काम करती थी प्यास लगती थी तो नदी से ये जल पी लेते थे उस समय प्रकृति की प्रभुत्ता थी नेचर डोमिनेट करता था धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता मनुष्य ने तकनीकी विकास किया प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से जैसे भूमि मृदा और जल मनुष्य ने आहार का उत्पादन प्रारंभ किया समय के बीतने के साथ साथ मनुष्य ने अपनी भोजन की आदतों को और वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुकूल समायोजित किया और यही भूगोल हमें सिखाता है कि कैसे धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी और मानव समाज का विकास हुआ है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन हमें उन सभी परिवर्तनों के बारे में बताती है जो समय के साथ पृथ्वी पर होते आए हैं और हो रहे हैं आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपको ज्ञात होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन आधार है तकनीकी विकास है सांस्कृतिक विकास है स्थानिक संगठन है प्रकृति के साथ अनुकूलन अथवा आपरिवर्तन है इसमें वेरिएशंस भिन्नता पाई जाती हैं भूगोल का स्टूडेंट होने के नाते आप जिज्ञासु होंगे ये जानने के लिए कि इन भिन्नताओं को कौन से फिनोमिनाज उत्पन्न करते हैं बच्चों आप विभिन्न प्रकार की भूमि और लोगों के बारे में जानते होंगे उसके बाद भी आप रुचि रखते होंगे उन सभी परिवर्तनों को जानने के लिए जो इस पृथ्वी पर समय के साथ हुए हैं जैसा कि लिखा है भूगोल हमें विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी भिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है तो बच्चों पृथ्वी के धरातल पर विविधता पाई जाती है भूगोल में हम इन विविधताओं का इन भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं साथ ही साथ समय और स्थान के अनुसार इन भिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज की क्षमता भी भूगोल हमें प्रदान करता है बच्चों इससे आपने मानचित्र में परिवर्तित ग्लोब को समझने तथा भू दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है अब बच्चों हम बात करेंगे मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स की मॉडर्न टाइम में हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र जी आई एस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बच्चों ये भू ज्ञान की सूचना प्रणाली होती है फिर हम आते हैं आपके वैश्विक स्थिति तंत्र ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे हम जी कहते हैं बच्चों ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो हमें किसी भी चीज़ की पोजिशन के बारे में बताता है फिर हम आते हैं कंप्यूटर कार्टोग्राफी, मानचित्र संगणक कला इसमें हम मैपिंग को यूज़ करके डेटा को टैबलेर फॉर्म से ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इन सभी टेक्निक्स को यूज़ करके हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है जो सूचना प्राप्त होती है ये राष्ट्र स्तरीय विकास में अपना योगदान प्रदान करती है आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं भूगोल क्या है पृथ्वी हमारा आवास है क्योंकि हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं इसलिए पृथ्वी हमारा घर है और साथ ही साथ छोटे बड़े सभी जीव जंतुओं का आवास है पृथ्वी पृथ्वी के वर्णन को पृथ्वी के अध्ययन को बच्चों भूगोल कहते हैं भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं पृथ्वी के दो प्रमुख अवयव हैं कंपोनेंट्स हैं एक है भौतिक तत्व और दूसरा है मनुष्य आप देखेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर भौतिक स्वरूप एक रूप नहीं है इनमें भिन्नताएं हैं विविधताएं पाई जाती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पर्वत पहाड़ नदी झील महासागर मैदान सड़क रेगिस्तान वन उजाड़ आदि फिर हम आते हैं बच्चों मनुष्य यानी मानव समाज पे ह्यूमन सोसाइटीज मनुष्य के बिना पृथ्वी किसी भी दूसरी ग्रह की तरह है अब भौतिक तत्वों की भांति सांस्कृतिक विशेषताओं में भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं आप अलग अलग जगह में देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रहते हैं जो डिफरेंट कम्यूनिटीज़ को बिलोंग करते हैं जिनकी अपनी अलग अलग रिलीजियस सोशल कल्चरल बिलीव्स होते हैं इनके अपने रीति रिवाज होते हैं इनकी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं तो आप देखेंगे कि सांस्कृतिक विशेषताओं में भी भौतिक तत्वों की भांति भिन्नता पाई जाती है जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मनुष्य द्वारा बनाए गए गांव, नगर सड़क रेलों का जाल नहरों और बाजारों आदि में विद्यमान हैं तो आप बच्चों अब समझ गए होंगे कि भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के मध्य अंतर संबंधों का रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ एक फिलोसफिकल व्यू पॉइंट है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट भौतिक पर्यावरण एक स्टेज की तरह है एक मंच की तरह है और मानव समाज एक्टर्स हैं कलाकार हैं जो तकनीकी सहायता से प्राप्त उपकरणों द्वारा अभिनय कर रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं बच्चों भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक यूनानी विद्वान इराटोस्थिनीज़ ने किया था अब मैं आपको भूगोल का शाब्दिक अर्थ बताती हूँ भूगोल जिसे आप इंग्लिश में जोग्रफी कहते हैं ये ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना है जियो माने पृथ्वी प्लस ग्राफोस माने वर्णन तो पृथ्वी के वर्णन को ही भूगोल कहते हैं भूगोल में मानव के निवास के रूप में पृथ्वी के वर्णन को परिभाषित किया जाता है आगे आपकी भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं ब्रांचेस हैं एक है भौतिक भूगोल जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं और दूसरी है मानव भूगोल जिसे आगे चलकर बच्चों आप पढ़ेंगे आशा करती हूं कि जो भी मैं आपको बता रही हूं आपको समझ में आ रहा होगा आइए नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी बहुआयामी है यथार्थता रियलिटी बहुआयामी होती है मल्टीडाइमेंशनल होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है इसलिए हम भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे डिसिप्लिन को कंबाइन करके एक साथ एकीकृत करके पढ़ते हैं जैसा कि लिखा है भूगोल का अनेक प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौमिकी मृदा विज्ञान समुद्र विज्ञान वनस्पति शास्त्र जीवन विज्ञान मौसम विज्ञान तथा अगर हम सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों की बात करें तो अर्थशास्त्र इतिहास समाज शास्त्र राजनीति विज्ञान इत्यादि के साथ घनिष्ठ संबंध है या अंतरापृष्ठ संबंध है बच्चों ये सभी डिसिप्लिन पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती हैं ये जितने भी डिसिप्लिन हैं बच्चों इनके बारे में आप इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु और विधि तंत्र में भिन्न है पर साथ ही साथ ये अन्य विषयों के साथ निकट का संबंध रखती है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों से भूगोल सूचनाधार प्राप्त करके इसका संश्लेषण करने का प्रयास करती है आइए नेक्स्ट देखते हैं भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता पाई जाती है अब आप देखेंगे बच्चों कि अनेक तत्वों में समानता है कई तत्वों में असमानता है भूगोल के अंतर्गत हम उन सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं जो स्थानिक संदर्भ में या क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं अतः हम भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करते हैं जैसा कि लिखा है पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता पाई जाती है अतः भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। धरातल पर तथ्यों में भिन्नता के साथ ही उन कारकों का भी अध्ययन करता है जो इन भिन्नताओं का कारण होते हैं अब यहां पर जोग्रफर का कार्य जोग्रफर का कार्य सिर्फ भिन्नताओं का अध्ययन करना नहीं है पर साथ ही साथ इन भिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों का जो समय और स्थान के संदर्भ में परिवर्तनशील होते हैं इसका भी अध्ययन एक भूगोलवेत्ता करता है बच्चों एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंध के ढांचे में ही करता है क्योंकि भूगोलवेत्ता सिर्फ तथ्यों की व्याख्या नहीं करता बल्कि साथ ही साथ तथ्यों के अनुमान और तथ्यों के भविष्य अनुमान की भी क्षमता रखता है अब बच्चों यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रॉपिंग पैटर्न का फसल का स्वरूप का इसमें जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि प्लेस ए में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो प्लेस बी के क्रॉपिंग पैटर्न से बिल्कुल भिन्न है पर यहाँ पर यह भिन्नता अन्य कारकों की भिन्नता से भी संबंधित है जैसे जलवायु मृदा बाजार में मांग किसानों की क्षमता तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि <coughs> तो बच्चों भूगोल का मेन कंसर्न किन्हीं दो तत्वों के मध्य या एक से अधिक तत्व के मध्य कार्य कारण संबंध ज्ञात करने में है जिसे हम कैजुअल रिलेशनशिप कहते हैं आइए नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य का प्रकृति के साथ समायोजन जैसा कि लिखा है भौतिक तथा मानवीय तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं यानी कि जो भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक और मानवीय तथ्य हैं ये स्थिर नहीं हैं ये स्टैटिक नहीं हैं ये गतिशील होते हैं डायनेमिक होते हैं समय और स्थान के साथ ही निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं भूगोल प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंत प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है अतः भूगोल में हम मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों का समग्रता के साथ अध्ययन करते हैं हम एज अ होल इन्हें पढ़ते हैं पार्ट्स में नहीं पढ़ते मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं कहने का अर्थ है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूजे के बिना अधूरे हैं मनुष्य प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है यहाँ मैं आपको उदाहरण देती हूँ कैसे छाप छोड़ता है मनुष्य बड़े बड़े फार्मों पर खेतों पर कृषि का काम करता है बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा आहार का उत्पादन करता है फिर आप देखेंगे कि मनुष्य तकनीकी सहायता से प्राप्त उपकरणों द्वारा सीमित क्षेत्रों को ठंडा कर सकता है कैसे एसी, सी एयर कंडीशनर के माध्यम से कूलर्स के माध्यम से फिर आप देखेंगे कि नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल को स्टोर करने के लिए डाइवर्ट करने के लिए मनुष्य ने नदी के चारों ओर बांध बनाया ये सभी चीजें आपको बताती हैं कि किस प्रकार से मनुष्य प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है और साथ ही साथ प्रकृति भी मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है जो उसके वस्त्र आदिवास व्यवसाय आदि में देखा जा सकता है अब जैसे बच्चों जिन क्षेत्रों में बहुत ठंड पड़ती है मनुष्य वहाँ गर्म कपड़े उन्हीं कपड़े पहनता है जिन क्षेत्रों में बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ मनुष्य सूती कपड़े पहनता है जिन क्षेत्रों में बहुत बर्फ गिरती है वहाँ मनुष्य कैसे अधिवास बनाता है जिनके रूप्स स्लोपी होते हैं ताकि जो भी बर्फ़ गिरे वो नीचे सरक जाए साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ मनुष्य मुख्यतः फिशिंग का काम करते हैं पहाड़ों पर लोग मुख्यतः माइनिंग का काम करते हैं खनन का काम करते हैं मानव ने प्रकृति के साथ समझौता अनुकूलन अडाप्टेशन अथवा अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है आप देखेंगे कि मनुष्य ने तकनीक का विकास किया कैसे किया प्राकृतिक रचनात्मकता द्वारा सोच द्वारा मनुष्य ने टेक्नोलॉजी को विकसित किया बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जो बच्चों जटिल से जटिल काम कर सकती हैं जो पहले करने के बारे में मनुष्य सोच भी नहीं सकता था तो इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने इस तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम किया श्रम कुशलता को बढ़ाया और साथ ही साथ मनुष्य को लेजर टाइम मिला अवकाश के अवसर मिले कि वो अपनी हायर नीड्स उच्चतर आवश्यकताओं को पूरा कर सके अब बच्चों यहाँ पर भौतिक वातावरण और मनुष्य की अनेकों क्रियाओं को कवि ने संक्षेप में हमें समझाने का प्रयास किया है भगवान और मनुष्य के मध्य हो रहे वार्तालाप के द्वारा जैसा कि यहाँ पर लिखा है मनुष्य भगवान से कहता है कि आपने मिट्टी का सृजन किया मैंने कप का निर्माण किया आपने रात का सृजन किया मैंने दीपक दिया बनाया आपने बंजर भूमि पहाड़ मरुस्थल, रेगिस्तान का सृजन किया तो मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बागीचे बनाए बच्चों मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी सृजनात्मक योगदान का दावा करता है और भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य और प्रकृति के इन्हीं अंतर प्रक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन करते हैं जैसा कि लिखा है भूगोल प्रकृति तथा मनुष्य के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करती है अब बच्चों यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए एक है आपका प्रकृति प्रभावित मानव जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका मानवीकृत प्रकृति जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं इसे संभववाद या पॉसिबलिज्म भी कहते हैं बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में हमारा जो मानव समाज है ये आदिम समाज की अवस्था को पार कर चुका है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्रकृति प्रभावित मानव की बच्चों हमारा आदिम समाज कैसा था ये पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करता था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड करता था प्रकृति की प्रभुत्ता थी नेचर की सुप्रमसी थी सारे डिसीशंस प्रकृति लेती थी कि मनुष्य क्या खाएगा कहाँ रहेगा क्या करेगा मनुष्य पेड़ों से कंदमूल इकट्ठा करके खाता था आखेट करता था प्यास लगती थी तो नदी या झील से जल पी लेता था जानवरों की खाल हाइड्स और स्किन इनके वस्त्र का काम करते थे मनुष्य प्रकृति से डरता था प्रकृति को माता स्वरूप मदर नेचर मानता था और इसकी पूजा करता था यहाँ पर बच्चों हमें प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा मनुष्य ने तकनीक का विकास किया तकनीकी विकास से मनुष्य आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ मनुष्य ने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति के सहयोग से नई नई संभावनाओं का सृजन किया जहाँ कहीं भी संभावनाएं थीं, पॉसिबिलिटीज थी, थी मनुष्य डेवलपमेंट विकास करता गया इसी को कहते हैं मानवीकृत प्रकृति फॉर एग्जाम्पल मनुष्य ने भूमि की फॉर एग्जाम्पल मनुष्य ने भूमि का उपयोग कृषि के कामों में किया फिर मनुष्य ने सड़कें बनाई रेलों के जाल बिछाए पहाड़ों पर देखिए मनुष्य ने बच्चों सड़कें बनाई हैं रेलवे लाइन्स बिछाई हैं जो कि एक बहुत ही दुर्लभ कार्य है फिर नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जल को स्टोर करने के लिए बिजली पैदा करने के लिए नेविगेशन के लिए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य ने बांध बनाया शीत प्रदेशों में मनुष्य ने ग्रीन हाउसेस बनाए जो कांच के बने होते हैं सौर विकरण के लिए ये पारदर्शी होते हैं इन कांच के बने ग्रीन हाउसेस के अंदर ऊर्जा कैद हो जाती है फिर आप इसके अंदर फल फूल और साग सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं आदि ऐसे बहुत सारे बच्चों आपको एग्जाम्पल्स देखने मिलेंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य ने प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ी है तो यह है आपका मानवीकृत प्रकृति परिवहन और संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्र हायरकियल नोट्स के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी पढ़ाया है नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का तीन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंध अब यहां पर बच्चों तीन कैटेगरी के प्रश्न हैं क्या कहा क्यों क्या पहचान से जुड़े प्रतिरूप अब बच्चों क्या की कैटेगरी की बात करते हैं जब तो कुछ प्रश्न पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं फिर आता है कहा प्रतिरूप के वितरण से संबंधित प्रश्न कुछ प्रश्न पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों की डिस्ट्रीब्यूशन वितरण से संबंधित होते हैं अब बच्चों, क्या और और ये दोनों प्रकार के प्रश्न, सांस्कृतिक भौतिक तत्वों की स्थिति और वितरण से संबंधित उत्तर हमें देते हैं इनसे हमें सभी तत्वों की स्थिति और वितरण के संबंध में सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं औपनिवेशिक काल से ही प्रचलित उपागम रहा है भूगोल को एक विज्ञान के विषय के रूप में पहचान मिली इस क्यों के कैटेगरी वाले प्रश्नों से ये निर्माण से संबंधित प्रश्न है कुछ प्रश्न व्याख्या अथवा तथ्यों और तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़े होते हैं अब बच्चों इसी को हम इस चित्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए सपोज आप कहीं घूमने जाते हैं और आप कोई ऐसा भौतिक तत्व देख लेते हैं आपको नहीं पता ये क्या है तो सबसे पहला प्रश्न आपके माइंड में आएगा इसकी पहचान को लेकर कि आखिर ये है क्या दूसरा प्रश्न आपके माइंड में आएगा कि इसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है और तीसरा प्रश्न आपके जहन में उठेगा कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ तो बच्चों एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का इन तीन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंध है एक विषय के रूप में भूगोल का केंद्र क्षेत्र से संबंधित होता है तथा भूगोल के अंतर्गत स्थानिक विशेषताओं और गुणों का विवेचन किया जाता है बच्चों यह मानव तथा भौतिक वातावरण के बीच जो डायनेमिक इंटरक्शन गत्यात्मक आ, अंतर प्रक्रियाएं हो रही हैं उससे जो तत्व उत्पन्न हो रहे हैं या तथ्य उत्पन्न हो रहे हैं हम इनका अध्ययन करते हैं साथ ही साथ भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों का विश्लेषण भी करते हैं आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से आज हम यहीं पर विराम लगाएंगे ये सेम पैटर्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में फॉलो किया जाता है उस पर है पहला प्रश्न आपका बहुवैकल्पिक है दूसरा प्रश्न आपका अति लघु है तीसरा चौथा प्रश्न आपका लघु का है और पांचवा पा प्रश्न आपका दीर्घ का है जो भी पढ़ाया बच्चों से रिवाइज़ कीजिए समझने की कोशिश करिए रटने की कोशिश मत कीजिए और अपना होमवर्क टाइमली कीजिए बच्चों आप दीक्षा पोर्टल को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं इस अध्याय से जुड़ी जितनी भी अध्याय सामग्री हैं वो आप दीक्षा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन अभ्यास भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो देखना है पुनः तो आप यूट्यूब पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं बच्चों आज के लिए बस इतना ही अगली क्लास में इसी अध्याय के अगले भाग के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी तब तक के लिए बच्चों हैव अ नाइस डे स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू